हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू इन माय ट्यूब चैनल। सो टुडे हियर वी विल डिस्कस द डेमोग्राफिक साइकिल टॉपिक। ओके, तो स्वास्थ्य वृत्त में पर्टिकुलर क्वेश्चन आया था एंड दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन नंबर इतना मेंशन है, अदरवाइज इतना इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। स्वास्थ्य वृत्त कोई भी सब्जेक्ट आप देखिए, इन्वायरमेंटल साइंस आपने पढ़ा होगा ईवीएस वगैरह 11th 12th में, ओके, या फिर बहुत सारे जो बीकॉम्स या बीएससी वगैरह जो कोर्स है तो वहाँ पे भी डेमोग्राफिक साइकिल्स आपने देखा होगा। तो ये ईवीएस का सब्जेक्ट है, ओके, पॉपुलेशन से रिलेटेड एंड दैट्स व्हाई ये हर एक सब्जेक्ट में इंक्लूडेड रहता ही रहता है। तो एटलीस्ट वी शुड नो एज अ मेडिको। तो डेमोग्राफिक साइकिल मतलब क्या होता है? डेमोग्राफिक साइकिल मीन्स डेमोग्राफिक स्टेजेस। तो पॉपुलेशन का स्टेज कहाँ है अभी के टाइम में, उसको फाइंड आउट करने के लिए ये डेमोग्राफिक साइकिल की जो स्टडी है उसको करना बहुत जरूरी है। डेमोग्राफिक मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। डेमो मतलब होता है पॉपुलेशन एंड ग्राफी मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन मीन्स अ डेमोग्राफिक। एक और तौर पर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स वेरियस पैटर्न, लाइक पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है या डिक्लाइन हो रहा है, ओके, तो ये सभी जो पैटर्न है उसका स्टडी करना, डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार है, मेल एंड फीमेल रेशियो वगैरह कितनी है, फर्टिलिटी रेट कितनी है, मोर्टिलिटी रेट कितनी है, ओके, डेथ रेट कितनी है, ये सभी को फाइंड आउट करना, ये हमारा क्या है, डेमोग्राफी में आता है। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरियस पैटर्न लाइक ग्रोथ डिक्लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड एज अ डेमोग्राफी। ओके, डेमोग्राफिक साइकिल मीन्स डेमोग्राफिक स्टेजेस। तो स्टेज मतलब वेयर वी हैव स्टैंड, ओके, और वेयर द कंट्री इज स्टैंड, ओके, दैट इज नथिंग बट अ पॉपुलेशन स्टडी। तो डेमोग्राफिक साइकिल देखिए हैड इंक्लूड द फाइव स्टेजेस। हाई स्टेशनरी फेज, तो हाई स्टेशनरी फेज में क्या होता था कि बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी वो एज इट इज थी, वो ना तो बढ़ रहा था ना तो कम हो रहा था, हाई स्टेशनरी फेज, ओके। तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट रिमेन बोथ हाई ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कंडोम कॉन्ट्रासेप्शन नॉलेज, ओके, इससे क्या हो रहे थे पता आपको कि कंटिन्यू बर्थ होती जा रही थी बेबीज़ के, चिल्ड्रंस के, और पहले के अभी के टाइम में जैसे मैकेनिकल वेंटिलेशन है, आईसीयू में हम कोई पेशेंट को शिफ्ट कर देते हैं या फिर इमिडिएटली ओटी वगैरह सर्जरी वगैरह कराकर पेशेंट को काइंड ऑफ आईसीयू में शिफ्ट करा के पेशेंट आराम से नॉर्मल अपना लाइफ सर्वाइव करता है, ओके, बट अभी पहले के टाइम में इतना यू कैन से रिसर्च वगैरह नहीं थे, इतना काइंड ऑफ एडवांसमेंट नहीं था, एंड दैट्स वाई जो ग्रो डेथ जो होती थी वो भी बहुत ज़्यादा होती थी। तो बर्थ रेट ज़्यादा होती थी एंड डेथ रेट ये भी ज़्यादा होती थी, दैट्स वाई हाई स्टेशनरी फेज ये फर्स्ट स्टेज में आता है। तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट रिमेन हाई, ओके, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कंडोम कॉन्ट्रासेप्शन वगैरह, इनका नॉलेज पहले के टाइम में नहीं था, अभी बैरियर मेथड है, ओके, कंडोम वगैरह अवेलेबल है कि डायरेक्टली अनवांटेड जो प्रेगनेंसी है उनको हम डिले कर सकते हैं विदाउट यू कैन से कि अ काइंड ऑफ प्रिवेंटिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो लाइफ है या फिर सेक्सुअल लाइफ है वो नॉर्मल अभी तो रूटीन है विथ यूजिंग द कॉन्ट्रासेप्शन, ओके, हालांकि देर आर फ्यू केसेस कि कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर होता है, बट इतना मेजर नहीं है, माइनर केस रहते हैं, 1 in 1000 वगैरह रहते हैं, बट डेफिनेटली कॉन्ट्रासेप्शन तो मेथड्स हैं, बैरन मेथड्स है, ओके, आपने सुना भी होगा ओसी पिल्स होते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह होते हैं, आईयूडी वगैरह होते हैं, ओके, सर्जिकल मेथड है, तो बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, कंडोम वगैरह हैं, ये सभी का नॉलेज पहले नहीं था एंड दैट्स वाई कंटिन्यू अनवांटेड प्रेगनेंसी भी कंटिन्यू बढ़ती जा रही थी एंड दैट्स वाई बर्थ रेट ये रिमेन हाई था, कंटिन्यू बढ़ते जा रहा था और डेथ रेट भी कंटिन्यू बढ़ते जा रहा था। तो दैट इज नथिंग बट आवर फर्स्ट स्टेज हाई स्टेशनरी फेज। तो इंडिया 1920 में इस स्टेज में ये था, ओके। सेकेंड स्टेज देखिए अर्ली एक्सपांडिंग, यहाँ पे क्या होता है कि जो बर्थ रेट जो यहाँ मतलब जो पॉपुलेशन जो स्टेशनरी स्टेज में था अभी हाई स्टेशनरी स्टेज में अभी यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ने लगता है। वहाँ पे अभी आपने देखा कि बर्थ रेट कंटिन्यू बढ़ रहा था लेकिन डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा थी, दैट्स वाई थोड़ा सा बैलेंस पॉपुलेशन वहाँ पे मेंटेन था। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि मतलब एडवांस इक्विपमेंट्स या फिर जो बोल सकते हैं कि इक्विपमेंट्स के जो काइंड ऑफ यू कैन से जो बोलते ना कि पर्टिकुलर जो एडवांसमेंट है इक्विपमेंट्स के बढ़ते जा रही थी, तो मैकेनिकल वेंटिलेशन, कार्डियक मॉनिटर, इंट्यूबेशन, ये सभी फैसिलिटी बढ़ती जा रही थी, इनका पर्टिकुलर यू कैन से रिसर्च इनका होते जा रहा था, ये पर्टिकुलर एक एक प्रोड्यूस होते जा रहे थे। तो डैट्स वाई मैकेनिकल वेंटिलेशन फैसिलिटी आ गई, कार्डियक मॉनिटर आ गया, इंट्यूबेशन आ गया, तो ये सभी फैसिलिटी जैसे ही आया, ये सभी आप जानते हैं कि मैकेनिकल वेंटिलेशन, इंट्यूबेशन, कार्डियक मॉनिटर, ये सभी हम आईसीयू के पेशेंट्स को देते हैं। तो ड्यू टू एडवर्स इक्विपमेंट्स लाइक मैकेनिकल वेंटिलेशन, कार्डियक मॉनिटर, मतलब क्या होता है
कटिंग ऑर्डर मतलब वो जो कि आपने देखा होगा टीवी वगैरह में देखा होगा, आईसीयू में जाओगे तो डेफिनेटली यू विल एबल टू सी दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, बहुत सारे जितने पेशेंट रहते हैं हर एक पेशेंट में कार्डियक मॉनिटर लगा हुआ रहता है। तो कार्डियक मॉनिटर है, अम्बु बैग है। कार्डियक मॉनिटर मतलब क्या होता है कि जिसमें आपको पल्स रेट, SpO2, ओके, आपको रेस्पिरेटरी रेट, आपका प्रेशर, बीपी, ब्लड प्रेशर, ये सभी आपको उस स्क्रीन पे विजिबल होता रहेगा। तो आईसीयू में पेशेंट आपने सुना भी होगा कि उसमें एक पर्टिकुलर रिंग वगैरह भी बजती है। तो SpO2 काइंड ऑफ पल्स वगैरह, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर वगैरह को प्रॉपर बंदे का है या नहीं उसको फाइंड आउट करने के लिए या फिर उसको शो करने के लिए वो कार्डियक मॉनिटर यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि आईसीयू में जो पेशेंट होते हैं वो नॉर्मली कॉन्शियस नहीं होते हैं, अनकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, एंड दैट्स व्हाई उनका जो स्टेटस होता है, बॉडी स्टेटस पता करने के लिए वो कार्डियक मॉनिटर होता है। तो पहले के टाइम में इतना एडवांसमेंट नहीं था, एंड दैट्स व्हाई बर्थ रेट स्टार्ट टू डिक्रीजेस, बट जो ग्रोथ रेट है वो रिमेन सेम। तो डेथ रेट स्टार्ट टू डिक्रीज एंड पॉपुलेशन स्टार्ट टू एक्सपांडिंग, इन्हें हम क्या बोलते हैं, अर्ली एक्सपांडिंग स्टेज बोलते हैं। नाउ थर्ड स्टेज देखिए, ये हमारा क्या लेट एक्सपांडिंग स्टेज है। ओके, अभी इंडिया इस स्टेज में बिलोंग्स करता है। तो बर्थ रेट ऑल्सो स्टार्ट टू डिक्लाइन आफ्टर एक्सपांडिंग स्टार्ट टू कंट्रोल। कैसे स्टार्ट कंट्रोल हुआ? पीपल गेट और पीपल स्टार्ट टू अवेयर और गेट अवेयर बाय वेरियस सेक्टर्स अबाउट कंट्रोलिंग अनवांटेड प्रेगनेंसीज और अबाउट द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड इट्स साइड इफेक्ट। अभी मतलब अभी के जो स्टेजेस, अभी ये जो सेकेंड स्टेज था 1980, अराउंड 1980 इंडिया में ये स्टेज था अर्ली एक्सपांडिंग, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ा था। लेकिन जैसे ही काइंड ऑफ 1920 के बाद जैसे 2000 वगैरह आया, उस पर्टिकुलर स्टेजेस से ये लेट एक्सपांडिंग ये स्टेज आने लगा इंडिया में। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, बर्थ रेट ऑल्सो स्टार्ट टू डिक्लाइन अलॉन्ग विद द डेथ रेट। तो आफ्टर एक्सपांडिंग स्टार्ट टू इट्स कंट्रोल, ओके, पीपल स्टार्ट टू अवेयर, तो पीपल को पता चलने लगा कि, या फिर लोगों को लोग अवेयर होने लगे कि ज़्यादा प्रेगनेंसी वगैरह होगा, अनवांटेड प्रेगनेंसी ज़्यादा होगा तो चिल्ड्रन ज़्यादा होंगे, और डेफिनेटली चिल्ड्रन ज़्यादा होंगे तो जो फैसिलिटी है वो कंजेस्ट हो जाएगा। ओके, इफ सपोज आई हैव अ काइंड ऑफ 10 rupees, ओके, एंड सपोज 2 children आर देयर, तो आई विल डिस्ट्रीब्यूट 5 ईच वन। ओके, बट इफ सपोज आई हैव 10 rupees एंड 5 children आर देयर, तो डेफिनेटली हर एक चिल्ड्रन को 1-2 rupees मिलेगा। ओके, तो कंजेशन काइंड ऑफ यू कैन से कि उनके प्रॉपर्टीज़ में हो रहा है, उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन है मनी का उनमें कंजेशन हो रहा है। तो ये सभी पता चलने लगा, पीपल अवेयर होने लगे, पीपल को पता चलने लगे ये सभी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड होते हैं, तो सेक्सुअल लाइफ हम कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट हैविंग अ अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो ये सभी का नॉलेज जैसे ही होने लगा तो बर्थ रेट भी स्टार्ट टू डिक्रीजिंग। इंडिया इज इन दिस स्टेज एट द राइट नाउ, दैट इज कॉल एज अ लेट एक्सपांडिंग स्टेज। फोर्थ स्टेज, सेकेंड लास्ट स्टेज, दैट इज कॉल एज अवर लो स्टेशनरी स्टेज। लो स्टेशनरी, ये जो पर्टिकुलर रेट है ना, ये मतलब जो अभी आपने बाहर की कंट्रीज देखा होगा आपने, ओके, जैसे यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, अमेरिका है, बेल्जियम है, तो ये सभी जो कंट्रीज है ना, ये ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज है। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, ओके, ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, लेकिन जो अमेरिका है, बेल्जियम है, यूनाइटेड किंगडम है, लंडन है, ओके, व्हाटएवर, इंग्लैंड है, तो ये सभी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे क्या था, ऑलरेडी हैव अ लो पॉपुलेशन, क्योंकि उनको पता है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। ओके, तो दैट्स व्हाई अ स्टेबल पॉपुलेशन इज देयर इन द यूके, अमेरिका, बेल्जियम लाइक कंट्रीज। तो लो स्टेशनरी स्टेज मतलब क्या होता है कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट रिमेन सेम एज इट इज, इसमें कोई इसमें साइकिल वगैरह नहीं देखने के, जैसे इंडिया में देखा गया कि काइंड ऑफ हाई स्टेशनरी, देन लेट एक्सपांडिंग, ओके, अर्ली एक्सपांडिंग, लेट एक्सपांडिंग, ऐसा कुछ देखा नहीं गया। डायरेक्टली ये सभी कंट्रीज में आप डायरेक्टली देख सकते हो कि डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही रिमेन सेम रहता है। तो ड्यू टू हैविंग एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड टू मच नॉलेज, पीपल ऑफ दिस कंट्री ऑलरेडी अवेयर अबाउट द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ओके, दिस इज नथिंग बट अवर लो स्टेशनरी फेज। तो यहाँ पे पहले मतलब यहाँ पे जो कंट्रीज हैं, ये सभी जो कंट्रीज हैं, ये ऑलरेडी अवेयर है, एंड दैट्स व्हाई उनको कॉन्ट्रासेप्शन मेथड पता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी कैसे डील करना उनको पता है। ओके, दे ऑल नो अबाउट द काइंड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एंड दैट्स व्हाई उनका जो पॉपुलेशन स्टेबल पॉपुलेशन है। फिफ्थ स्टेज देखिए, डिक्लाइन पॉपुलेशन। तो यहाँ पे ये डिक्लाइन स्टेज जो है, यहाँ पे पॉपुलेशन डे बाय डे कम होती जा रही है। बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ डिक्रीजेस ट्रेमेंडसली। ओके, तो एग्जांपल दिया जापान, रिसोर्सेज आर टू मच बट पॉपुलेशन इज टू लो। जापान में आप देख सकते हो बहुत ही कम पॉपुलेशन है, और जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं या PM वगैरह हैं, ऑलरेडी उन्होंने ऐसा प्रॉमिस वगैरह भी किया है, या फिर उन्होंने बहुत सारे ऑफर्स भी दिए थे कि डेफिनेटली काइंड ऑफ जो चिल्ड्रंस प्रोड्यूस करेंगे उनको डेफिनेटली कुछ, तो ऐसा उन्होंने अभी न्यूज़ वगैरह में मैंने देखा था, रिसेंटली आई हैव सीन दैट पर्टिकुलर न्यूज़।
तो उसमें उन्होंने कुछ ऑफर वगैरह दिया था कपल वगैरह को, ओके जो चाइल्ड को प्रोड्यूस करेंगे, तो बर्थ रेट डेथ रेट दोनों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, एंड दैट्स वाई बहुत ही कम पॉपुलेशन जापान में है. तो डिक्लाइन स्टेज ऑफ द पॉपुलेशन, दिस इज नथिंग बट अ फिफ्थ स्टेज. तो इंडिया के पास 75% ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन, दैट यू हैव टू रिमेंबर. टोटल 100 में से इंडिया 18%, अराउंड 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडिया में रहता है. तो दैट इज ऑल अबाउट आवर डेमोग्राफिक साइकिल और डेमोग्राफिक स्टेजेस. ओके,